तुझे अच्छा सा एनालाइज हो कि यार गलती हो रही है पर कहाँ गलती हो रही है, कौन से बृहत्त्रयी में हो रहा है या फिर लघुत्रयी में, ऐसे मैं थोड़ा एनालाइज करती थी। इतने आर पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट है ही, पर एक लिमिट के बाद अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी आपका फोकस, आपकी एफिशिएंसी, ये दोनों कम हो जाते हैं। तो आई फील कि भले ही यार एक हाथ घंटा यू नो कम पढ़ लो पर नींद अच्छी से पूरी कर लो। आप क्वेश्चन एनालाइज करना है हर एक क्वेश्चन की, मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, या फिर मैंने ये अटेम्प्ट किया पर ये मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, इसके रीजन है। तो यहाँ हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़ी है AIA PGET के एयर 2 रैंकर सानिका आफड़े। मैंने कांग्रेचुलेशन सानिका। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति। एंड उससे ही बड़ा कांग्रेचुलेशन टू आर मेंटर डॉक्टर अजीत पाटिल सर। कांग्रेचुलेशन सर की ऑल इंडिया में टॉप 100 रैंक में से 30 रैंकर्स आयुर्वेद के स्टूडेंट्स है। सर आप अपनी क्लास की थोड़ी जर्नी के बारे में बताएंगे? हमारा जो क्लासेस है 2010 से मैं ले रहा हूँ, 9-10 से पकड़ सकते हो। तो उसमें पहले तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, पोद्दार बॉयज़ हॉस्टल से मैंने शुरू किया था, और उसमें भी फिर धीरे धीरे वहाँ पे नहीं हो पाया जगह, इसके लिए हमने घाटकोपर वेस्ट में एक छोटा सा 1 आर के रूम मैंने अरेंज किया था, और वहाँ पे 30-40 स्टूडेंट्स में पूरा ऑलमोस्ट जगह पूरा पैक हो जाता था, यानी क्योंकि मुंबई में जगह की बहुत कम है, मुश्किल से जगह मिलती है। फिर वहाँ पे एक मुझे अभी भी याद है कि जगह की कमी होने के कारण हम लोग ऐसे करते थे कि एक सामने वॉल होता था जहाँ पे मैं पढ़ाता था, उसके सामने उस वॉल में हम लोग बीच में से एक वुडन पार्टीशन लगाते थे और उस वुडन पार्टीशन के ऊपर भी स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते थे उस टाइम पे ऐसे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे मुंबई के उस जगह से फिर हमने थोड़ा कॉलेजेस में शिफ्ट किया, एक झुंझुनवाला कॉलेज है घाटकोपर ईस्ट में, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स वो जानते हैं सब इसके बारे में। तो वहाँ से फिर कोविड जब आ गया 2020 में, तो कोविड में फिर ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे, फिर ऑफलाइन पूरा बंद ही हो गया ऐसे। तो ऑनलाइन क्लासेस मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत इजी है, लेकिन ये मेरा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत कठिन है ऑफलाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के 1-2-3 मुझे ड्रॉबैक्स ऐसे लगते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में एज ए टीचर करके, तो पहला है कि टेक्नोलॉजी आपको बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 2018-19 में अगर देखोगे तो हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना भी नहीं जानते थे ठीक से, और अभी हम लोग ऐसे कि हम लोग एंड्रॉयड या फिर iOS जैसे एप्लीकेशन बना के उसको मेंटेन कर रहे हैं ऐसा। तो ये बहुत सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सीखने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो चुका। दूसरा ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप बहुत बिजी हो जाते हो, क्योंकि आपको सुबह से लेकर रात के 1:30-2 बजे तक मुझे तो कॉल मैसेज बहुत आते रहते हैं, तो समय बहुत कम मिलता है एक्चुअली खुद के लिए, यानी कुछ कंटेंट बनाने के लिए। तो मुझे अगर आप मेरा शेड्यूल देखोगे तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह, यानी सुबह के 4-5 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ लेक्चर्स का, या फिर कुछ टेस्ट बनाना होगा तो रात के लेट नाइट काम करता हूँ ऐसा। तो आपका बहुत शेड्यूल बहुत यानी अंबर हो जाता है, आपको पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं रहता ऐसा। और तीसरा ऐसा कि बहुत हाई प्रायोरिटी से काम करना पड़ता है आपको, पर्सनल लाइफ जो होता है आपका, फैमिली लाइफ होगा, तो वो भी बहुत मुश्किल से आप दे पाते हैं उस समय। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट ईयर 14 फरवरी 2022 में मेरे पिताजी गुजर गए, तो उस टाइम मुझे अभी याद है कि 3rd दिन से मैंने काम शुरू किया है क्लास को, फिर से क्लास का। तो इतना आपको आप बिजी हो जाते हो, इतना हाई प्रायोरिटी से आपको काम करना पड़ता है क्लास के लिए ऐसा, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज रिजल्ट्स अगर देखो तो बहुत अच्छे आ जाते हैं ऑनलाइन में, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है ये ऑनलाइन क्लास। इसके कारण ऐसे कि एक 3-4 फैक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस में कारण होते हैं स्टूडेंट्स के, तो ये मैं आपको काफ़ी सारे पुराने स्टूडेंट्स को तो मैं शेयर कर चुका हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन एक पब्लिकली मैं बोलता हूँ कि 3-4 फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के लिए। उसमें पहला ऐसा कि आप अगर सिंगल माइंडेड हो, जैसे अगर मेरे बारे में आप देखोगे तो मैं बहुत सिंगल माइंडेड हूँ, यानी एक चीज़ पे फोकस रहकर उसी में काम करता रहता हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक चीज़ को पकड़ के उसी में काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह पे फोकस कर रहे हो। तो सिंगल माइंडेड होना बहुत मुझे लगता है कि ज़रूरी है सक्सेस के लिए। दूसरा, इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, मुझे भी ऐसा लगा कि यही एक कारण है सबसे रिजल्ट हमारे अच्छे आने के लिए, तो होता है कि कंसिस्टेंसी। मैंने बहुत लंबे समय तक इस फील्ड में काम किया, ऑलमोस्ट 14-15 साल मुझे हो गए, तो जितना आप कंसिस्टेंट रहते हो उतना आप उसमें यानी मास्टर होते रहते हो। तो ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत मायने करते हैं कि आप जितना कंसिस्टेंट रहो आपकी जर्नी में, कि पढ़ाई छोड़ना नहीं है आपको, जितने लंबे समय तक आप पढ़ते रहोगे आपको डेफिनेटली यानी सक्सेस मिल जाता है ऐसा। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है सक्सेस में एक और एक कारण मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप पेशेंस रखो, क्योंकि जितना यहाँ पे जल्दी यानी 1-2 महीने में कुछ होने नहीं वाला है ऐसा, आप लंबे समय तक जब पढ़ोगे, अगर 8 महीने पढ़ोगे 12 महीने पढ़ोगे, तो आपका स्टडी धीरे धीरे कंपाउंड होता है
और जब कंपाउंडिंग होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत एक्सपोनेंशियली हाई हो जाते हैं फिर धीरे धीरे। तो यही है कि आप पेशेंस रख के चलो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और लास्ट एक ऐसा होता है कि जो फैक्टर है जो जनरली स्टूडेंट्स को भी बहुत यानी इसको फॉलो करना बहुत कठिन होता है, वो होता है डिसिप्लिन। अगर आप आज के इंटरटेन इतना सारा फैल चुका है, एंटरटेनमेंट इतनी जगह पे अवेलेबल है कि हम लोगों को इन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करते हैं। फिर हम लोग भी देखोगे तो क्लासेस का काम करके थक हो जाते हैं, इन्हें एग्जॉस्ट हो जाते हैं ऐसा। तो कभी कभी लगता है कि ना करें काम ऐसा, लेकिन फिर भी हम लोग करते रहते हैं ऐसा। तो वो डिसिप्लिन वाला फैक्टर होता है कि आप अगर लास्ट फैक्टर ही वही होता है कि मुझे लगता है डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करोगे तो आप सक्सेस ज़रूर आपको मिल सकते हैं। तो यही एक चार फैक्टर मुझे लगता है कि हमारे इतने अच्छे रिजल्ट में मैंने काफ़ी उसके हेल्प हो चुकी है मुझे। एक तो हम लोग सिंगल माइंडेड है, फोकस रहते हैं करके काम करते हैं। दूसरा ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। तीसरा ऐसा कि पेशेंस रखे काम करे और डिसिप्लिन को मेंटेन करे, तो वो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर, एंड हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। एंड ये आज आपके ही एफर्ट्स है कि हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 2 सानिका बैठी है और बाकी सभी पीछे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी जर्नी और अपनी सारी डिश शेयर करने वाली है। तो सानिका, आपका जो BMS UG है वो कौन से कॉलेज से हुआ है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? जी, मेरा UG ये टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे इस कॉलेज से हुआ है। ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंतर्गत गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। ओके, ग्रेट। आपने अपने पीजी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? मैंने मेरी PG का प्रिपरेशन फोर्थ ईयर से स्टार्ट किया था, क्योंकि तब बहुत से मेरे दोस्त थे, उन्होंने अजित पाटिल सर का रेफरेंस दिया था। सीनियर से भी पता चला था कि थोड़ा जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फाउंडेशन बैच जो है सर की फोर्थ ईयर से ज्वाइन किया था। ऐसा भी है कि इनिशियली हम इतना सिंसियरली नहीं पढ़ते चीज़ें, इतना सिंसियरली नहीं लेते, पर आई फील और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप शुरुआती से जितना सिंसियरली पढ़ते हो उतना ज्यादा होल्ड आपको आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी अलग है। हम थ्योरी लिखते हैं वो अलग पढ़ाई है और ये थोड़ा अलग है। तो जितना आप अर्ली स्टार्ट करते हो इसका मुझे फायदा हुआ, एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि सिंसियरली पहले से आप स्टार्ट करोगे तो, और इसका यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी फायदा होता है। ओके, और सानिका, सिविल ड्यूटी थोड़ी हेक्टिक होती है तो उसमें पढ़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो आप उसमें कैसे एडजस्ट कर पाते थे? जी, मतलब इनिशियली बहुत डिफिकल्ट गया था, क्योंकि कैसे है कि इतने बार आपका रूटीन बदलता रहता है थ्रू आउट, कि कॉलेज में अलग रूटीन, फिर RH में जाओगे तो फिर से अलग रूटीन, और RH का क्या था कि शिफ्ट्स भी थे, तो मेरा ऐसा था कि मिनिमम 8 आवर्स टू मैक्सिमम 12 आवर्स ऐसा ड्यूटी रहता था। तो उसमें क्या था कि कभी कभी 16 आवर्स तक भी वो चलता था, और वो शिफ्ट्स थे जो यूजुअली नाइट शिफ्ट्स और लेबर के जो थे ड्यूटीज, तो वो 12 आवर्स के होते थे। तो जब मॉर्निंग शिफ्ट था मेरा सुबह, तो मैं वो पढ़ाई शाम में करती थी थोड़ा शांत होके, और जब इवनिंग था तब मैं सुबह करती थी। इसमें भी मैं से थोड़ा शुरुआती में बहुत ही केओटिक रहा, पर मैंने फिर वो एक थोड़ा उसको स्ट्रक्चराइज किया, तो ऐसे मतलब मैं करती थी कि OPD के बीच में जब भी कभी पेशेंट नहीं होते तब आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, तो आपको फिर घर जाके फिर से MCQ सॉल्व करने का नहीं होता, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड है, सर भी हमेशा MCQs पे ध्यान देने बोलते हैं। तो जो बीच का जो समय है OPD के बीच में जो आता है कि जहाँ पे पेशेंट का रश कम है, तब मैं MCQ सॉल्व करती थी। जब ऐसा था कि हमारे समय RH में ऐसा था कि सुबह की OPD होती थी, फिर 2-3 घंटा कुछ नहीं होता था बीच में, इट वॉज फॉर लंच, एंड देन लेटर 4 से 5 1 घंटा OPD था। तो जब अभी मुझे दिख रहा है कि यार मेरे पास 2-3 घंटे आराम से है, तो तब मैं जो पढ़ाई थी, जैसे रैंडम नोट्स है क्लास के, इम्पोर्टेंट नोट्स है, मिक्स्ड नोट्स है, तो तब मैं वो पढ़ती थी, तब मैं MCQs नहीं सॉल्व करती थी। सो अगर कम समय है तो आई यूज टू डेडिकेट दैट टाइम टू MCQ सॉल्विंग, अगर 2-3 घंटा है मेरे पास तो मैं मिक्स्ड इम्पोर्टेंट रैंडम नोट्स पढ़ूंगी, और जब मैं घर जाती हूँ थोड़ा फ्रेश होके, थोड़ा आराम से जब दिमाग शांत हो गया हो, तब मैं बृहत्त्रयी संहिता को देती थी। क्योंकि क्या होता था कि संहिता जो है बृहत्त्रयी का,
उसमें बहुत फोकस लगता है, इंटरप्शंस नहीं लगते मतलब, और इतना मटेरियल कैरी भी नहीं कर पाते, सारे नोट्स फोन्स में है, ऐप में है, तो फिर मतलब वो कन्वीनियंट पड़ता था कि घर जाके शांति से बृहत्तरी का, तो ऐसे में थोड़ा मैनेज करती थी। गायनाक थोड़ा हेक्टिक ही था, पर थोड़ा दैट वी जस्ट ऑफ इट आई थिंक सो। ओके और जो एग्जाम में लास्ट के 2 क्रूशियल मंथ्स थे उस टाइम में आप कितना समय निकाल कर पाते थे अपनी पढ़ाई के लिए? एग्जाम का जो सेकेंड लास्ट मंथ था उसमें मैं अराउंड 8 to 10 hours ऐसे पढ़ती थी, और लास्ट मंथ है उसमें तो मतलब कभी 11, 13, 14 जितना मतलब, आई थिंक सो ऑन एन एवरेज आई गेस 11 to 13 hours तो होता ही था। ओके सो सानिका, इंटर्नशिप में बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इस पूरे साल भर में पढ़ाई करते समय ऐसा कोई इवेंट जिसमें आपका मॉरल बहुत डाउन हुआ हो, या किसी वीक में टेस्ट के मार्क्स कम आए हो, तो उस वक्त आप अपने इमोशंस को, अपने मॉरल को कैसे बूस्ट करते थे? जी ऐसे हुआ था, स्पेशली ड्यूरिंग माय आरएच, जब मेरा गायनेक का पोस्टिंग था तब वो बहुत हेक्टिक था, और तब मुझे याद है कि कॉन्सिक्यूटिव 3-4 टेस्ट ऐसे थे जिसमें मैंने बहुत बहुत कम स्कोर किया था। तो आई फील कि ये जो है, यही समझना कि ये सब नॉर्मल है, हर स्टूडेंट के लाइफ में ये एक फेज आता ही है, ऐसे नहीं होता कि हमेशा स्मूथ जर्नी रहेगी, तो ऐसे आता ही है ये फेज। तो तब ऐसे मॉरल डाउन हो, तब रियलाइजिंग कि ये नॉर्मल है, ये हर एक स्टूडेंट के लाइफ में आता ही है, और ये रियलाइज होना कि ये जो कुछ भी है वो टेम्पररी है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, तो ये थॉट मन में रखना इज क्रूशियल। तब मैंने अजित पाटिल सर से भी बात की थी, सर का हमेशा गाइडेंस रहा ही है, मैंने सीनियर्स से भी बात की थी कि आपने इस समय कैसे किया। तो फिर वन थिंग दैट आई लर्न थ्रू आउट इज कि जो हम जो क्लास के वीकली टेस्ट है वो देने चाहिए रेगुलरली, नो मैटर हाउ लो यू स्कोर। ऐसे बहुत बार होता है कि आप इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि आप टेस्ट देना ही छोड़ देते हो, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना मतलब। और टेस्ट देने के बाद भी इट डजेंट एंड हियर, यू हैव टू एनालाइज द टेस्ट, क्योंकि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, देयर इज कार्य कारण भाव इन आयुर्वेद एज वेल, तो क्या क्या हेतु है, क्यों क्यों कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं एनालाइज करती थी टेस्ट। आप अगर डॉक्टर अदिति प्लीज शेयर इमेज वन, यस थैंक यू सो मच अदिति, आई थिंक सो द स्क्रीन इज विजिबल। तो इसमें सर ने ही हमें ये बताया था कि आपको एनालाइज करना चाहिए अपने पेपर। तो एक तो आपने जो क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं, मतलब जो अभी हमारे जो वीकली टेस्ट है, इट इज द सेम, द पैटर्न इज सेम, और वैरायटी ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्वेश्चन एनालाइज करना है हर एक क्वेश्चन की, मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, या फिर मैंने ये अटेम्प्ट किया पर ये मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, इसके रीजंस है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये सर ने ही बताया, मैंने बस वो टैबुलर फॉर्मेट में किया है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही अननोन है। तो ये अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो आपको कंप्लीशन ऑफ सिलेबस पे फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज है कि यार ये है कि ये है आंसर, तो तब आपको कंपैरेटिव फॉर्मेट में पढ़ाई करनी पड़ती है और रिवीजन ज्यादा करनी पड़ती है, तो कंफ्यूजन तो नहीं होता। और सिली मिस्टेक्स अगर होते हैं कि यार अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन तो पता था पर आंसर गलत हो गया, तो इसमें आपका फोकस इंपॉर्टेंट है आई गेस, कैटेगराइज तो ऐसे होता है। और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रीन, तब मैं ये ऐसा एक एक्सेल फॉर्मेट बना के रखती थी थोड़ा, कि हर क्वेश्चन में ये सब्जेक्ट नेम दिख रहे होंगे वहां पे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हर टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए, उसमें से मेरे कितने सही जवाब हुए, मैंने कितने गलत किए, मैंने कितने अटेम्प्ट नहीं किए, और मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था। और सब्जेक्ट वाइज मेरा ऐसे था कि यार 20 मार्क्स का तो
क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से मेरे 20 out of 20 मिले उस कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट के लिए. ऐसे मैं थोड़ा एनालाइज करती थी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर भी मैंने कैटेगराइज करके रखे थे ताकि मुझे अच्छा सा एनालाइज हो कि यार गलती हो रही है पर कहाँ गलती हो रही है, कौन से बृहत्तरी में हो रहा है या फिर लघुत्तरी में. ऐसे मैं थोड़ा एनालाइज करती थी और इवेंचुअली परफॉर्मेंस जो आप लैकिंग है वहां पे आप फोकस करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा आने लगता है. और ये मेरे साथ हुआ था तो मैंने ये ऐसे अप्रोच किया था. दैट्स रियली ग्रेट सानिका, मतलब आपने प्रॉपर उस चीज को सिस्टमेटिक किया, उससे इतना रखा है, मैनेज करना, इट्स रियली ग्रेट, रियली इम्प्रेसिव. आपकी प्रिपरेशन के टाइम का स्टडी शेड्यूल कैसा होता था और आप स्टडीज का प्लानिंग कैसे किया करती थी? जी प्लानिंग आई थिंक इज वेरी क्रूशियल. मतलब आर्बिट्ररी रैंडमली कुछ भी मन आए मूड आए पढ़ना, आज ये पढ़ लिया आज वो पढ़ लिया, ऐसे आई डोंट थिंक सो कि मतलब बहुत क्लमजी और कियोटिक हो जाता है. प्लानिंग में ये याद रखना है कि सर के वीकली टेस्ट जो है उसी हिसाब से मैंने एक्चुअली मेरा प्लानिंग किया था. अपना क्लास का कुछ अलग स्केड्यूल चल रहा है, मेरा कुछ अलग स्केड्यूल चल रहा है, ऐसे तो मैंने नहीं किया था. तो मैंने स्ट्रिक्टली क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं मेरा प्लान करती थी. 7 दिन होते थे तब मैं स्टार्टिंग में बृहत्तरी लेती थी क्योंकि वो मेजर कवर करना जरूरी है. तो उसके बाद इनिशियल कुछ डेज में मैं बृहत्तरी का सिलेबस कवर करने में लगी थी और थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट नोट्स रैंडम नोट्स लघुत्तरी को देती थी. और उसके बाद जैसे बृहत्तरी खत्म होने को आया मतलब सिलेबस का जो पॉइंट था वैसे मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स मिक्स नोट्स का टाइम बढ़ाती थी. सो दैट इज हाउ इट वॉज. और लास्ट के 2 मंथ्स में ऐसे जैसे सर भी हमेशा कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन लेके मत बैठो, मतलब थोड़ा सा मैं बृहत्तरी को दो, आईएमपी नोट्स को दो, मिक्स नोट्स को दो, काश्यप को दो, मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने स्ट्रैटास बना के रखे थे. और उसमें मतलब यूजुअली मेरा ऐसा था कि 4-5 घंटे तो मैं संहिता पढ़ती थी बृहत्तरी, एक एक आध घंटा मैं आईएमपी नोट्स को देती थी. यूजुअली सुबह का जो समय था वो आईएमपी नोट्स के लिए रिजर्व था. फिर मिक्स नोट्स के लिए 1 घंटा होता था, एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए 1.5 आवर टू 2 आवर होता था. और 1 घंटा मैं मेरे एक दोस्त के साथ डिस्कशन करती थी. और वो भी जो डिस्कशन था वो लास्ट 20 डेज में नहीं था, वो एग्जाम के 20 डेज पहले रुका दिया था. और ऐसे भी है कि अजित पाटिल सर भी ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं कि ये देखो बच्चों लास्ट के 30 डेज में आपको ये कवर करना है, लास्ट के 15 डेज में आपको ये कवर करना जरूरी है. तो इससे भी एक गाइडेंस एक गाइडलाइन मिलती है. तो मैं यूजुअली जो सर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा स्केड्यूल अपने हिसाब से थोड़ा प्लान करके करती थी. सो दैट इज इट. हाँ, आपने कहा कि आपके दोस्त से डिस्कस कर रहे थे, तो क्या आप दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी भी किया करते थे क्या? एक्चुअली इनिशियली जब इंटर्नशिप शुरू हुआ था तो यार हमारा तो बहुत 3-4 लोगों का ग्रुप था. तो इनिशियली तो बहुत जोरों जोरों से पढ़ाई, अरे हाँ चलो ये समय पे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो पर मुझे ऐसा इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि जितना आपका ग्रुप बड़ा होता है ना उतना एफिशिएंसी कम होता है. इसीलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि एक या दो दोस्तों के साथ ही डिस्कशन करना चाहिए क्योंकि फिर अरे यार अभी मुझे इस समय नहीं जम रहा, फिर वो बोलेंगे नहीं मुझे इस समय, तो ये थोड़ा केओटिक हो सकता है. तो एक या दो दोस्त के साथ मैंने डिस्कशन किया था, मोस्टली तो एक ही थी मेरी दोस्त है, एक्चुअली अच्छी दोस्त है. तो उसके साथ मैंने डिस्कशन किया था. और डिस्कशन में भी दो कैटेगरीज थे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये मेरा डिस्कशन चलता था और वो वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स का जैसे द्रव्य गुण के लैटिन नेम्स जो बिल्कुल याद नहीं होते, आप अकेले पढ़ने जाओ तो नींद आती है, वो किया था. या फिर मिक्स नोट्स का एक दूसरे को पूछना, रैंडम नोट्स एक दूसरे को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूछना, ये किया था. मेरा ऐसा एक था कि संहिता जो है बृहत्तरी स्पेशली वो मैं सिर्फ मतलब खुद की पढ़ती थी. मतलब तब मैं डिस्कशन संहिता का मैं नहीं किया कभी भी बृहत्तरी का, सिर्फ मैं और संहिता, दैट्स इट. तो डिस्कशन के फॉर्मेट में मैंने बृहत्तरी को कभी नहीं किया. बाकी सब वॉलेटाइल सब्जेक्ट का तो फोन पे जैसे मैंने कहा 1 घंटा, ज्यादा भी नहीं क्योंकि उड़ान आप कंज्यूम करते हो तो अलग से बात करके होता है, तो बाद में स्टडी का एनर्जी भी तो बचना चाहिए. तो 1-1.5 घंटा इज गुड डिस्कशन और थोड़ा रिफ्रेशमेंट. तो ओके, ग्रेट. आप जब इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो शायद
लेक्चर्स में कुछ बैकलॉग हो जाता होगा कई बार, तो आप बैकलॉग को कैसे हैंडल कर पाते थे? जी मतलब ऐसे हुआ था कि बैकलॉग भी, जब मैंने बोला कि गायनेक का जो मैंने उस समय, तो बैकलॉग बहुत बढ़ गया था, तो मैंने बस दो कैटेगरीज किए थे एक्चुअली. हमारा जो वीकली टेस्ट होता है उसके तुरंत बाद सर अगले टेस्ट का सिलेबस डाल देते हैं, तो आप अभी मेरा पिछले टेस्ट में जो बैकलॉग हुआ है वो मैं लिख के रखती थी, उसके बाद जो नए टेस्ट का सिलेबस है उसके साथ वो कंपेयर करी थी. बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब हमारा सिलेबस रिपीट होते रहता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स हो. तो अगर दो दो केस सिनेरियो है यहाँ पे, अगर जो बैकलॉग है वही अगले टेस्ट में आ रहा है तो फिर मैं प्लानिंग बैकलॉग से स्टार्ट करती थी, क्योंकि वो नेक्स्ट टेस्ट में तो काम में आने ही वाला है मेरे, तो मैं जब प्लानिंग करूंगी तब मैं बैकलॉग पहले कवर करूंगी. जो दूसरा सिचुएशन है जहाँ पे ऐसे होता था कि यार मेरा बैकलॉग है यहाँ पे पर अगले टेस्ट में वो मेरा सिलेबस में नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी पहले आप टेस्ट के सिलेबस को कवर करो, क्लास के साथ चलो, क्योंकि फिर अगले टेस्ट का सिलेबस आधा अधूरा हो जाएगा. बैकलॉग तो आपने कवर कर लिया पर यहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि मतलब वो बढ़ता ही जाएगा. तो ठीक है, बैकलॉग है ना आपका और वो अगले टेस्ट में नहीं है, तो उसे बैक ऑफ द माइंड रख दो कि ठीक है ये मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि इवेंचुअली सर वो कभी ना कभी तो सिलेबस में डालते ही है, हर टॉपिक आता ही है दो तीन बार, मतलब दो तीन तो मिनिमम बोल रही हूँ, बहुत बार आते ही है, तो जब अगले बार आएगा तब आप कवर कर लेना फिर से वो. तो ऐसे दो कैटेगरीज बेसिकली करके बैकलॉग को मैनेज किया. ओके. कई बार कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो लेक्चर करने का कहते हैं कि लेक्चर करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वो नोट्स पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पसंद करते हैं. तो क्या ये मेथड सही है? एक्चुअली मैंने तो ऐसे नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने तो लेक्चर्स सुने थे, क्योंकि इसके ना बहुत बेनिफिट्स है एक्चुअली लेक्चर्स सुनने के, क्योंकि मैं जिनको पता नहीं उनको मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी अध्याय है उसके ऑडियोस, फॉर एग्जांपल हमने पांडु चिकित्सा ले लिया चरक का, या फिर क्षतक्षीण ले लिया, या फिर यक्ष्मा ले लिया फॉर दैट मैटर, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ अध्याय के मार्किंग्स या अध्याय में क्या इंपॉर्टेंट है ये नहीं बोलते सर, ये तो बोलते ही है, पर उसके बाद बहुत सारे मॉडर्न के पॉइंट्स भी इसमें कवर होते हैं. एक बात मॉडर्न के पॉइंट्स कवर होते हैं इसमें, और दूसरी बात बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछने वाले क्वेश्चन सर रिपीट करते हैं, जैसे हमेशा मतलब तभी एग्जाम हमारी अभी जो फाइनल एग्जाम हुई उसमें मधुग्रुता ये किस कल्प, एक्चुअली उल्टा पूछा था, आई एम सॉरी, त्रिफड़ा रसायन का अनुपान पूछा था मधुग्रुता, और सर हमेशा ऑडियो में जहां कहीं भी कोई भी कल्प आया मधुग्रुता वाले अनुपान का, फॉर एग्जाम्पल वो सीतोपलादि चूर्ण क्यों ना हो यक्ष्मा में, तो सर सारा रिवाइज करवाते थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कल्प का अनुपान मधुग्रुता है, तो सीतोपलादि हो गया, ये हो गया, तो तब भी ऐसे मतलब ये चीजें आप रिवाइज नहीं करोगे फिर भी इतनी बार ये रजिस्टर हो गया होता है कि आप वो एग्जाम में नहीं गलत कर सकते, तो ये एक इम्पोर्टेंस है. इसलिए मैं हमेशा ही मतलब ऑडियो सुनना ये एक चीज है जो मैं रेकमेंड करती हूँ. दूसरी बात ऐसी भी होती है कि कभी कभार ना नोट्स में कुछ मिसप्रिंट्स होते हैं या फिर कुछ चीजें छूट जाती है, ऐसे हो सकता है ना मतलब, तो ये आप अगर डायरेक्ट संहिता से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, तो ये चीजें नहीं होती, तो आई थिंक आई रिकमेंड, आई हाईली रिकमेंड कि ऑडियो सुन के पढ़ाई होना. और ऑडियो के अलावा आप संहिता से पढ़ाई करते थे या नोट्स से करते थे? नहीं, बृहत्त्रयी की जो पढ़ाई है वो तो मैं स्ट्रिक्टली संहिता से ही करती थी, जो लघुत्रयी है और अन्य ग्रंथ है जैसे कि भाव प्रकाश काश्यप, उनके तो मैं नोट्स ही यूज करती थी, वह बृहत्तरी की पढ़ाई जो है वो मैं स्ट्रिक्टली नोट से कर दी थी. आप अगर प्लीज डॉक्टर अदिति इमेज 2 शेयर करेंगे तो मैं इस तरह से बृहत्तरी का अध्ययन करती थी, मैं वो स्टेप वाइज फॉर्मेट में लिखा है वो, कि कोई भी अध्याय शुरू करने से पहले मैं पूरा वो अध्याय पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैं ऑडियो सुनती थी उस अध्याय के जो हमारे ऐप पे है, फिर उसके बाद उस ऑडियोज में ना मार्किंग करती थी जो इम्पोर्टेंट सर ने बताया है, और उसके बाद उसका टेस्ट सॉल्व, मतलब हर अध्याय का ऐप में टेस्ट है तो वो मैं सॉल्व करती थी, और ऐप का एक फीचर है बुक मार्क फीचर करके, तो
तो जो मुझे कठिन लगते हैं वो मैं उस बुकमार्क फीचर में सेव करती थी ये। और जब लास्ट के 2 मंथ्स है, जब आपको नंबर ऑफ रिविजन बढ़ाने हैं, तब मैं सिर्फ जो पॉइंट्स जो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये मुझे इतनी बार पढ़ के भी याद नहीं हुए, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ती थी और सिर्फ बुकमार्क क्वेश्चंस को ही सॉल्व करती थी। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और आपके रिविजन ज्यादा होते हैं, क्योंकि अरे मुझे पता है कि यार पांडु के प्रकार 5 है, तो मैं ये पढ़ने में समय क्यों दूँ। मुझे जो चीज नहीं याद रहती उस पर मैं ज्यादा फोकस कर सकती हूँ। तो ऐसे मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया था। थैंक यू। ओके आपने बोला कि मिक्स नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, बहुत सारे नोट्स होते थे, तो क्लास के कौन से नोट्स आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ और कौन से टेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था आपको? जी आई फील मिक्स नोट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स जो है क्लास के, तो उसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उसमें ना इट इज इन अ कलेक्टिव फॉर्मेट, अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स है वो। और मतलब लास्ट के 2 मंथ्स तो मैं ये रेगुलरली पढ़ती थी और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, आप कभी भी क्रॉस चेक भी करना चाहो तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस नोट्स से आते हैं। तो ये जो नोट्स है दोनों, वो आई थिंक सो बहुत क्रूशल रहे हैं। और टेस्ट आपने बोला, जैसे आई फील की वीकली जो टेस्ट है उसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि आप वीकली टेस्ट जब देते हो और पेपर एनालाइज करते हो तो आपको दोनों चीजें पता चलती है, एक मेरी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा मेरी वीकनेस क्या है। अभी उसके उसके बेसिस पे ना आप जज कर पाते हो कि यार मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रिस्क कितना लेती हूँ। अभी जो एग्जाम हुआ हमारा, उसमें क्वेश्चन था एक चरक चिकित्सा वातव्यादी चिकित्सा से था वो क्वेश्चन। वो सूत्र के फॉर्मेट में था, एसर्शन और रीजन के फॉर्मेट में था, मैं वो अभी डिटेल में नहीं जाती। और दूसरा एक क्वेश्चन था वो रसशास्त्र का था। अभी ये जो मैंने एक पहला क्वेश्चन बोला वातव्यादी चिकित्सा में से जो आया था, इन दोनों क्वेश्चंस का मैं 100% श्योर नहीं थी, मेरी श्योरिटी 50-70 ऐसी ही थी। पर जब मैंने वीकली टेस्ट एनालाइज किया था तब मुझे ये पता था कि यार मेरे बृहत्तरी के क्वेश्चंस तो सही आते हैं मोस्टली, तो मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा रिस्क ले सकती हूँ, क्योंकि यार तुक्का लग जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग दैट आंसर राइट बढ़ता है। और ये तुम इस कंक्लूजन पे कब पहुंचते हो, जब आपने अपना आपको अपने स्ट्रेंथ्स पता है और आपको अपने वीकनेसेस पता है। तो तब मैंने ये जो वातव्यादि का जो क्वेश्चन था वो मैंने अटेम्प्ट कर दिया, और मेरा रसशास्त्र इतना खास नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये रसशास्त्र के क्वेश्चंस मेरे बहुत से गलत होते थे, तो मैंने वो छोड़ दिया था क्वेश्चन। तो ये एनालाइज करने में जो कॉन्फिडेंस आता है कि स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है, ये पता चलने में बहुत क्रूशियल रोल आपका वीकली टेस्ट प्ले करता है। इसलिए आई थिंक वीकली टेस्ट डेफिनेटली हेल्प्ड मी अलॉट। ओके क्या आप वीकली टेस्ट के साथ साथ टेलीग्राम क्वेश्चंस भी रेगुलरली सॉल्व करते थे क्या? जी, टेलीग्राम क्वेश्चंस एक्चुअली ज्यादा नहीं होते पर डे, आई थिंक सो 10-12 क्वेश्चंस टेलीग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं, और वो सॉल्व करने में यार इतना समय नहीं मतलब लगता। मैं एक्चुअली हर रात सोने से पहले आदत सी बन गई थी वो, कि टेस्ट टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करके ही सोना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेयर क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं जीके के, रिसर्च के, जो हमसे पढ़ने में मिस हो सकते हैं। तो जब आप वो सॉल्व करते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आया था मातुल फल सदृश ऐसे शायद दत्तुर उत्तर था, तो ये टेलीग्राम का क्वेश्चन था। तो अगर आप पढ़ते हो तो, और एमसीक्यू का मतलब वही फाइनली उसी पैटर्न में टेस्ट देना है ना हमको, तो और ज्यादा समय भी नहीं लगता, तो डेफिनेटली मैं हर रोज सॉल्व करती थी टेलीग्राम क्वेश्चंस। आप फ्रेशर्स को थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं? जी जरूर। जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर होता है या फिर यू नो क्रूशियल 2-3 मंथ रहते हैं, तब ऐसे होता है कि हम अपने आप को बहुत स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि इनिशियली मेरा था यार कम पढ़ाई हो रही है, थोड़ा और स्ट्रेच करना चाहिए मुझे। तो इस चक्कर में ना मैं बहुत जागती थी 1-2 बजे या फिर कभी सुबह 4-5 बजे उठ लिया। पर यू नो आई लर्न इट दी हार्ड वे कि
इट डज नॉट ऑलवेज वर्क. अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा शायद, कि मुझे ऐसे लगता है कि इन द एंड यू नो आपकी नींद पूरी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद में भी बोला है निद्रा एकदम सुखम दुखम, तो ये जो पूरा सूत्र है तो उसमें ना आपकी आप कितने आवर्स पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट है ही, पर एक लिमिट के बाद अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी आपका फोकस आपकी एफिशिएंसी ये दोनों कम हो जाते हैं. तो आई फील कि भले ही यार एक हाथ घंटा यू नो कम पढ़ लो पर नींद अच्छी से पूरी कर लो आप, क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल था जो वो 7:30 AM to 10:30 PM ऐसे था ना, कोई एक्सट्रीम्स, क्योंकि मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि नींद पूरी नहीं होती तो आप ग्रास्प नहीं कर पाते, फोकस चला जाता है. तो मैं ऐसा ही मैसेज देना चाहूंगी कि यार अपना नींद अच्छे से पूरा कर लो, कि एक आध घंटा कम पड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर नींद ना पूरी करके हुए भी आप अपने आप को ड्रैग कर लोगे तो फिर वो इट इज नॉट हेल्दी. दूसरा जो है कि मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब फाइनल एग्जाम देने बैठते हो 45 मिनट पहले आप आते हो यूजुअली, तो तब ना आप बहुत पैनिक कर जाते हो शायद, मतलब मैं भी बहुत पैनिक अदरवाइज करती हूँ छोटी छोटी चीजों पे. पर कैसा है कि बहुत प्रेशर भी होता है कि यार इतना पढ़ा है याद होगा कि नहीं होगा. तो आई फील थोड़ा मेडिटेशन इज अ मस्ट, मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी, क्योंकि आपका माइंड जब काम स्टेबल होता है तब आपको चीजें अच्छे से याद होती है, अच्छे से रिकॉल कर पाते हो, और सिली मिस्टेक्स कम होती है, जो कि इट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, कि सिली मिस्टेक्स कम होना, नेगेटिव कम होना, स्कोर बढ़ना. सो आई फील. और एक बात है कि आप एग्जाम के बस समय 10 मिनट कर लो तो ये ऐसे नहीं चलेगा मेडिटेशन, यू नो अभ्यास करना पड़ता है इसका. फॉर 2-3 मंथ्स टुगेदर यू हैव टू सिट एंड मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स, ओनली देन इट विल वर्क. मतलब ऐसे नहीं है कि अभी एग्जाम है चलो मेडिटेट, अभी आज ही के दिन मैं मेडिटेट कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं होता. इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस और फिजिकल फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा एक्सरसाइज आई थिंक. सो दीज आर दी थिंग्स, क्योंकि पढ़ते तो सब है, बस नींद फिजिकल मेंटल हेल्थ इज आई फील इज नेसेसरी. एब्सोल्युटली. और हम लोग है भी आयुर्वेद के लोग, तो हमें खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे करना है. ये एक स्वस्थ शरीर ही अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता है और कोई भी काम कर सकता है. डेफिनेटली डेफिनेटली. आप सक्सेस से कुछ प्रिंसिपल या मंत्रा शेयर करना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को एग्जाम तक भूलना ही नहीं चाहिए? जी आई फील कि बहुत सारी चीजें एक साथ करना नहीं चाहिए, मतलब मैंने एक ही क्लास को फॉलो करना चाहिए. आई फील ऐसे नहीं कि मतलब दोनों क्लास लगा लिए, इनका सिलेबस अलग चल रहा है उनका सिलेबस अलग चल रहा है, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है मैं इनका पढ़ू कि उनका पढ़ू. टू बी ऑनेस्ट मैंने बस क्लास के ही नोट्स पढ़े थे, क्लास की टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दी थी ना, मैंने कोई और क्लास ज्वाइन किया या फिर टेस्ट सीरीज भी नहीं ज्वाइन किया, नोट्स भी कुछ अलग नहीं पढ़े थे. तो आई फील स्टिक टू वन क्लास, क्योंकि फिर मतलब किसका फॉलो करूँ ये कंफ्यूजन बढ़ने लगता है. तो स्टिक टू वन क्लास एंड बिलीव ओके हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो पढ़ाई है ना वो थोड़ी अलग है, तो टू गेट द हैंग ऑफ दिस यू हैव टू डू अभ्यास, मतलब उस तरीके से पढ़ना जरूरी है, और वो कंसिस्टेंट जब आप रहते हो तब आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं. पेपर डिफिकल्ट भी आए तो भी आपके मार्क्स का रेंज वही रहता है, क्योंकि आप अटेम्प्ट्स ऑलमोस्ट उतना ही करने का ट्राई तो करते हो. तो आई फील कंसिस्टेंसी इज वन थिंग दैट एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ. एंड थर्ड थिंग आई थिंक इज जेन्युइन ऑनेस्ट एफर्ट्स, दैट्स ऑल आई फील टू सम अप. यस, एब्सोल्युटली राइट. एंड थैंक यू सो मच सानिका कि आप वक्त निकाल कर आई, हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की. एंड आई एम श्योर हमारे जो पीजी एस्पिरेंट्स हैं उनको आपसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग कैसे करना है वो सब सीखने के लिए मिला होगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति, थैंक यू सो मच.